नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। और समय हो चुका है ब्रेकिंग न्यूज़ में आज की ताज़ा और मुख्य खबरों का। बता दें कि बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि 1 फरवरी से बदल जाएंगे राशन कार्ड से संबंधित ये नियम। अब जरूरी होगा ये इस नियम को फॉलो करना। जी हाँ, यदि आपके पास राशन कार्ड है, चाहे वह ग्रीन कलर में हो, येलो में हो या वाइट कलर में हो, किसी भी तरह का राशन कार्ड है, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही काम की साबित होने जा रही है, क्योंकि कल 1 फरवरी से बजट स्टार्ट होने जा रहा है। और बजट जैसे ही लागू होगा और बजट में कुछ परिवर्तन भी होंगे, तो उस परिवर्तन में आपके लिए राशन कार्ड से संबंधित भी कुछ नए नियम लागू होंगे और कुछ नियम बदल जाएंगे। क्या वो नियम रहेंगे, आइए देखते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाएं घंटी के आइकन को। दोस्तों, अन्नपूर्णा और अंत्योदय कार्ड धारकों सहित राशन कार्ड धारकों को हर महीने बायोमेट्रिक पद्धति के बजाय मोबाइल OTP और IRIX प्रमाणीकरण की मदद से राशन मिलेगा। द हिंदू में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार राशन कार्ड से संबंधित यह नियम 1 फरवरी 2021 से देश के तेलंगाना राज्य में लागू होगा। कोरोना महामारी के कारण फैलने वाले संक्रमण से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है और कोविड-19 महामारी के कारण बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण बंद कर दिया गया है। बता दें कि नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के अनुसार सभी कार्ड धारकों को राशन लेने के लिए अपने आधार कार्ड को मोबाइल नंबर से जोड़ना होगा ताकि OTP उसे भेजा जा सके। यही निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश के दिशा निर्देशों के अनुसार लिया गया है। दायर याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने यह फैसला किया है कि याचिका में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के कारण कोरोना संक्रमण फैलने की संभावना थी। इसी के साथ ही इसमें एक और अच्छी सुविधा और फायदा यह है कि आपके जो भी राशन है वो आपका ही जाएगा, आपको ही मिलेगा, अदरवाइज फर्जी में नहीं बटेगा। अभी तक क्या होता था, बहुत से ऐसे जो गल्ला बांटने वाले हैं या कंट्रोल वाले हैं, वो क्या करते हैं कि हम समय पर लेने नहीं जाते, तो जैसे ही टाइम निकल जाता है तो वो बोलते हैं भाई अब नहीं मिलेगा, अब आप अगले मंथ आइए। लेकिन हमारे नाम का, हमारे राशन का गल्ला है वो तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने हमारे उस कंट्रोल वाले के पास पहुँचा दिया है, तो वह क्या करता है, उसे आगे ना बेचते हुए फर्जी में या ब्लैक में बेच देता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। फिलहाल में ये तेलंगाना सरकार ने तेलंगाना राज्य में ये घोषणा की है और ये नियम लागू कर दिया है। धीरे धीरे ये नियम भारत देश में सभी जगह अप्लाई हो जाएगा, लागू हो जाएगा, जिसका फायदा सभी को मिलेगा। नमस्कार।